Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we have a job date which is coming from PGCIL Power Grid Corporation Limited की तरफ से ये recruitment आ रही है. इसमें gate के through recruitment है ये पूरी. आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. gate 2021 का स्कोर इसमें लगना है. different branches इसमें eligible हैं. पूरी जानकारी आपको दी जाएगी. यहाँ पर आप देखिए कि अगर दूसरी भी important vacancies जैसे कि government job, PSUs में और साथ ही साथ आपको जो private job भी हैं टाटा में और एसेंचर में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, तो वो सारी ही जॉब डेट्स आपको इस प्लेलिस्ट में एक साथ अटैच कर दी गई हैं. वो देख सकते हैं जितनी अब तक वीडियो बनी है. जो फ्यूचर की वीडियोस आती हैं उसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें. ऑलराइट, सो बात करते हैं कि क्या क्या है इसमें. देखिए, पावर ग्रिड के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है. ये आपके पीएसयूज़ हैं और यहाँ पर दो रिक्रूटमेंट हैं बेसिकली, दो टाइप की, पावर ग्रिड की तरफ से हैं और CTUIL विच इज़ सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो दोनों की तरफ से ही रिक्रूटमेंट्स आपकी किस पोस्ट के लिए हैं. असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, सब कुछ काफ़ी अच्छा है इसमें, बट ये है कि गेट का स्कोर अच्छा चाहिए आपको. ठीक, ब्रांचेज कौन सी एलिजिबल हैं वो देख लेते हैं हम. कंप्यूटर साइंस सबसे पहले तो एलिजिबल है. उसमें पावर ग्रिड में कितनी पोस्ट हैं, पावर ग्रिड में 34 पोस्ट हैं. CTUIL में 3 पोस्ट हैं. ठीक, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल देखें तो इलेक्ट्रिकल में 55 पोस्ट हैं आपकी जो है पावर ग्रिड में. CTUIL में 5 पोस्ट हैं. सिविल में आप देखें तो सिविल में आपके पास 2 पोस्ट हैं पावर ग्रिड में. CTUIL में 2 पोस्ट हैं और पावर ग्रिड में फिर आपका 2 पोस्ट है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में CTUIL में 2 पोस्ट हैं. आपको एक साथ अप्लाई करना है तो जिसमें आप एलिजिबल हैं ब्रांच वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक, इसमें देखिए कुछ PWD को ये कोर्ट्स हैं उसकी, ये इन कैटेगरीज को छूट मिल जाएगी वहाँ पे कुछ. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो गेट का पेपर आपने इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में दिया हो तभी आप एलिजिबल होंगे. अपर एज लिमिट की भी बात यहाँ पर की गई है, विच इज़ 28 ईयर्स ऑन द 31st of December 2021. इसके साथ साथ ये भी है कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल इसमें नहीं है बिकॉज गेट का पुराना स्कोर कार्ड इसमें मांगा गया है. इन केस यू आर हैविंग द गेट स्कोर ऑफ 2021 सो यू कैन अप्लाई दैट. राइट, अगर यहाँ पर आप देखें कि अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन क्या है, 3 ईयर्स है OBC को, जो जनरल रिलैक्सेशन होता है वही रिलैक्सेशन यहाँ भी है. सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि आपका करस्पॉन्डिंग पेपर गेट का 2021 का करस्पॉन्डिंग पेपर के बेसिस पर, फिर बिहेवियरल असेसमेंट, फिर GD है, पर्सनल इंटरव्यू. नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पूरा ये नीचे दिए हैं इन्होंने. आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखिए गेट का पेपर आपका 85% वेटेज होगा, 3% वेटेज आपका GD का है, 12% पर्सनल इंटरव्यू का. 85% गेट का वेटेज है तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो काफ़ी अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, तो आपका गेट का स्कोर काफ़ी सही हो, देन ओनली यू कैन अप्लाई. इफ़ यू आर अप्लाइंग यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल बी नोइंग दैट वेदर ऑडियंस आर गोइंग फॉर दिस एग्जाम और नॉट. ओके, जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है वो यहाँ पर देखा जाएगा. और इसके बाद अगर देखें हम, सो इट इज़ रिट्रेटेड दैट कैंडिडेट शुड हैव टू क्वालिफाई इन द गेट एंड अ पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली. दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी है, भले ही वेटेज कम हो इंटरव्यू का, बट इंटरव्यू में भी आपको क्वालिफाई करना है. ऑलराइट, उसके बाद वंस अ कैंडिडेट गेट अ ऑफर लेटर फ्रॉम एनी ऑफ दिस, तो वो सब ये जनरल डिटेल्स हैं. हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया कि हेल्थ सही होनी चाहिए, कंपनसेशन पैकेजेस वगैरह क्या दिए जाएंगे. तो ये देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको सैलरीज मिल जाएंगी. ठीक है, बेसिक पे इतना है, बट अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, सर्विस एग्रीमेंट्स वगैरह ये बताया गया है. देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपका बाद में इसमें गेट का स्कोर कार्ड भी लगेगा. और यहाँ पर आपका जो फीस है 500 रुपीज़ फीस है, बट SC ST PWD को वो फीस नहीं देनी है, नॉन रिफंडेबल फीस है. ऑलराइट, और यहाँ पर और आप नीचे जाएंगे, ज़्यादातर चीज़ें बस यही हैं और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं. जो फोटो और आपका सिग्नेचर का जो GPG फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेशन लगता है वो सब तो लगेगा ही, और आपको कहीं भेजना नहीं है, ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है सारा. ठीक है, और गेट का स्कोर कार्ड आप बाद में अप्लाई लगा सकते हैं इसमें. इफ़ अ कैंडिडेट इज़ कॉल्ड फॉर GD सो वेरीफाइड गेट स्कोर दिखा सकते हैं आप वहाँ पर. और यहाँ पर अगर आप लिंक ऑफ अप्लाई देखें तो लिंक ऑफ अप्लाई ऊपर भी दिया गया है और साथ ही साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं. फ़ीस पेमेंट का ये लिंक हो गया आपका. और अगर आप इसमें और देखें, और इसमें लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपको वो ध्यान देने वाली है, लास्ट डेट 20th February है, तो उसके पहले आप अप्लाई कर लीजिए. कट ऑफ एलिजिबिलिटी का है तो आपका 31st December है. सो आपका ये डाउट जो है 31st जो फाइनल ईयर वालों का है कि फाइनल ईयर वाले वहाँ तक उनकी डिग्री वो पूरी नहीं रहेगी, तो फिर वो एलिजिबिलिटी वहाँ पर नहीं शो कर सकते हैं. राइट, और अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है तो ये नीचे आपका ये जो हाईलाइट किया मैंने इसमें आप
with this subject, you can briefly give your query to them, right? So this is it for this video. See you in the next one. Thank you very much.